नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रमेश अजवाणा डेयरी फार्म पर। जितने भाई Facebook पे हैं, WhatsApp पे हैं, वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पास में लग गया घंटे का बटन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। आज की वीडियो कवर करी है गाँव फरांसवाड़ा से और जिला कैथल से। आज फिर एक करखी जोटी बहुत ही बढ़िया आपको दिखाएंगे, और बिल्कुल चारों चार कृष्णा डेयरी फार्म पे। पहले भी कई जो टिश भाई की आपने देखी हैं, काफ़ी बढ़िया रही हैं। आज फिर भाई दूध तलवाएगा, जैसे भाई ने बताया। थोड़ा भाई साहब आगे आए, थोड़ा सा डिटेल दें एक बार जोटियों के बारे में। रमेश भाई राम राम। राम राम भाई साहब। रमेश भाई, इसकी पहले वीडियो बनाई थी आपने 12 दिन पहले। हाँ जी, बनाई थी। 4 दिन की भी आई थी, लगभग 11-12 किलो दूध था इसमें। 11-12 लीटर दूध तैयार था। 16-17 दिन की भी आई है। हाँ भाई, और मेरे ख्याल तो 17-18 किलो दूध मौके पर कांडे का तैयार है। तैयार है आज। इतनी गर्मी में भाई साहब? नहीं नहीं, ठीक है, बात गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब। कल चली है भाई साहब? कल चली है। मान लो 2-3 किलो मैंने लगा भाई, गुंजाइश इसमें इतनी गर्मी में भी। मान लो 20 प्लस। और दो रोटियों का दूध दिखाएंगे आज? दो रोटियां दूध दिखाऊंगा भाई साहब। दूध दिखाना खतर तो एक, और मैं मान लो 21-22 किलो दूध तैयार है। अच्छा जी, मेरे पास दो ही दूध करने वाले भाई आ रहे। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी बात। और कृष्णा एक ऐसा डेयरी फार्म है, काफी अच्छी जोटी इस फार्म पर मिल जाती है। आज भी काफ़ी ज़्यादा जोटियाँ फार्म पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत जोटी भाई के फार्म पर है। अच्छी ही जोटी अपने फार्म पर सिलेक्ट करता है, जितनी भी जोटियाँ सिलेक्ट की काफ़ी अच्छी, काफ़ी शानदार। बच्चा लगा दे भाई साहब, बच्चा लगा दे। असा दिखाना भाई साहब, आप थोड़ा है जोटी का कैसा निकालेगी। भाई साहब कैमरा ले उठाएगा, वो ले थोड़ा दो उठा ले मेरा। नहीं भाई, पूरा पकड़ लेना, पूरी राखी पकड़ लेना, इन्हें पकड़ ले जान से, बस इन्हें ना दिए मरा होगा। दोनों तो क्या मरा, ये बात है, ये तरह कितनी हुई है। छोड़ दे भाई, ठीक है। छोड़ दे भाई, ठीक है। और जोड़ा उठा ले भाई, उठाइए मैं एक बार जोड़ा, ये उठा ले। और पसा देखें सभी भाई, ये देखें काफ़ी बढ़िया ठंड निकाले है, ये देख सकते हैं, ये देखें। और बहुत ही टाइट अडर की, इतने टाइट अडर की जो टी
पहली बार मैंने देखी है जिसमें इतना दूध हो गया। काफ़ी शानदार ऑर्डर है रोटी का। और और बाल्टी एक बार दोनों ही दिखा दे। ठीक है भाई, चलो शुरू करें भाई साहब। ठीक है भाई, बाल्टी दिखा दे, चलो निकालो भाई। और पहले भी कई वीडियो इस भाई की आ चुकी हैं जो काफ़ी अच्छा दूध इस भाई ने तलवाया है, और काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती है ताकि इस फार्म से अच्छी वीडियो कोई निकल कर सामने आए। और आज फिर खैर की जो टी ने जैसे भाई ने मेरे से तो बताया काफ़ी अच्छा दूध निकाल रही है, बाकी सभी भाइयों के सामने होगा जितना निकालेगी। और आजकल तो बहुत ही मुश्किल है इतना अच्छा पशुधन सेलेक्ट करना और लेकर आना, बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि पहले ही ब्यात में इतना अच्छा दूध निकालना हरेक सी जोटी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गर्मी भी तो ज़्यादा पड़ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। वीडियो मैंने कल शूट करनी थी, थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम थी थोड़ी शरीर में। अच्छा, कौन सी क्या परली क्या? गर्मी ज़्यादा है भाई, गर्मी के कारण थोड़ा पशुओं में हो ही जाता है। पर्दा तो अपना बढ़िया लगाया परली साइड में, पर्दा बढ़िया लगाया गया, गर्मी ज़्यादा है, बाल भी बाहर की ताती है आजकल, अंदर ही थोड़ा हो रखें तो ठंड सी रखें तो फायदा है। और ये भाई तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वैसे ही, क्योंकि काफ़ी अच्छे पशु अपने फार्म पे सिलेक्ट करता रहा है, पहले भी बहुत से पशु इन्हें सिलेक्ट किए और सेल भी काफ़ी ज़्यादा हुई है इसके। और आजकल इतना दूध निकलवाना बहुत ही दूर की बात होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और खैर की जोटी इतना दूध निकाल दे वो बहुत ही बड़ी बात है। अगर कहीं शाला का थोड़ा सा मौसम होता सर्दी का, भाई साहब 20 प्लस करेगी आराम से, आप रूटीन में भी दिखाना है क्या? बड़ी की दिखाई थी। हाँ ठीक है बात, जब भी दिखाई या रिपी दिखाना है? नहीं ठीक है बात, 20 किलो दूध करेगी रमेश भाई। और भाई ने एक बात कही थी वीडियो में भी कही थी, जो शुरू में ज्ञापन थी बोले बहुत ही बढ़िया दूध निकालेगी बाकी, और अब भाई दिखाने लग रहा मौके पर जितना भी दूध करने लग रही जो टी दिखाने लग रहा, ये बात नहीं है भाई, इसने नहीं दिखाया दूध। भाई ना टाइम नहीं ठीक है बात भाई, आज तक तो भाई हमारे जो डेयरी में नहीं लेने आ गया अनुकुर भाई, दूध के ऊपर भैंस हो गए। हाँ ठीक है बात, कहते हैं भाई कुछ लोग भाई तू उसकी नुका एक टाइम की बना हुआ फलाने बना हुआ आवा है बात, ठीक है बात। और डाउट भी भाई करे जा भाई, हम तो एक के बात कहा श्रीगनपुर भाई मारा एक प्रयास रहा, अच्छा पशु दिखा दिया हम जाएगा, इतना थोड़ा हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ा है। कल आपने फोन किया था 3:30 का टाइम है, आज भी चल जाओ मैं 3 बजे, कितनी गर्मी है भाई साहब, फिर ये बात खड़े नहीं हो जाता यार। ठीक ठीक,
प्रयास है भाई अच्छे पशु दिखाने का, जिस भाई ने लेनी है अगला खुद कहे भाई दो टेम मेरी जो टियां की धार निकाल के लेकर जाओ, संतुष्टि करके लेकर जाओ अपने। और पहला ही मैंने कई जोटियां इसका दूध दिखाया, आज भी कहूँ सभी भाइयों को अच्छी ही जोटी लागी दवा लेकर गए हैं, सारी जोटी सेल हुई है इसकी जितनी जोटियां का दूध दिखाया। और यह जोटी सिर्फ यह जोटी जो सामने खड़ी है खैर की यह जोटी ज्ञापन भी दिखाई है, इससे पहला भी दूध तिलवाया और आज भी दूध तिलवावा गई, दूध बढ़ल ना आएगा, जोटियाँ घटिया नहीं है, नहीं ठीक है बात। इस जोटी में वो बात देखने के लिए मिल रही है, यानी कि खर की जोटी भी ना लग दूध निखरे निखरा दूध निकाला है। हरमन लांगे भाई की तो फुल्ली भी चुवाई जमा बहुत है, ये देखें भाई भाई निकालना लग रहा, और जो परली जोटी के नीचे भाई बैठे भाई वो जोटी का थोड़ा बुखार कहो भाई आ गया था कल, भाई अनकुड़ियाँ तो देखो मारते भी कंधे रहे लोग, कमांट आवे एक दो के बोले भाई कैमरा नीचे रख है, भाई कैमरा नीचे रख कर यार, एक बात बता कुर्जे दाम न्यू लाग रहे कहने भाई साइज बता लाग रहे भाई मीडियम है या न्यू न्यू है, सारी बात बतावा यार फिर भी टैग ठाते रहे, ये बनकुर भाई बैठे जोटी तला, मैं तो कुर्सी बैठा हूँ जोटी की फुल लाइट है यूं ही दिखेगी, अकड़ियाँ देख लो तुम लोग आके देखो तो कुकरे भी देखो जोटी ने कैमरा में देख लो फुल लाइट मिलेगी, नहीं नहीं ठीक है बात भाई भाई देखो जी ना चीज लेकर जानी है दो टाइम चो के लेकर जाएगा तो ना ना ठीक है बात ठीक। भाई हम तो ये बात कहा जिन्हें लंबा चलना उसमें दो खदाड़ी नहीं चलेगी, और इन भाई यार तो मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गए काम बहुत सालों तक काम कर रहे हैं, नरेंद्र ढुल भी इनके साथ रहा इसके साथ काम करके गया काफ़ी दिन काम करे, ओड़ी दर के ओड़ी भाई ओड़ी बस दर ले बस परली शेड ले आ भाई कांडा ले आ भाई उड़ी ले आओ ना उड़ा और अच्छा अच्छा बैटरी कौन है ठीक कोई बात नहीं, और इधर ले गमान लो उधर लिए ला भाई जो टी जमा खाली होगी जो टी खाल खाल रहेगी सिर्फ लोटी की बच्चा जो भी दूध की जो टी है नहीं ये मिलेगा उरी रख उरी भाई उरी एक मिनट भाई एक मिनट चलो भाई रमेश भाई कर ले भाई चलो कांडा दिखा दे यो एक किलो का बाट नीचे कर ले नीचे थोड़ा सा कैमरे के सामने ले आ एक किलो उधर दे भाई तुझे दर दे दी क्या और बाल्टी थोड़ा सा नीचे कर ले क्या कुर्सी का नीचे तरफ ले ले एक बार बाल्टी है कुर्सी के नीचे थोड़ा सा नीचे ले ले एक बाल्टी ना फिर तोड़ लेंगे एक बाल्टी आगे कर ले बड़ी ए लवली
990 ग्राम का है। ले भाई 990 ग्राम का बाट है, पुराना बाट है भाई, बड़ी कोई बात नहीं, 10 ग्राम का फर्क है, 10 ग्राम का फर्क कोई बात नहीं भाई, ये तो गैस देने पुराना बाट है, 992-94 हो गया, चल कोई नहीं छोड़ दे कोई बात नहीं, ले भाई खाली बाल्टी रख भाई खाली, जीरो कर दे भाई, ले भाई जीरो दूध डाल दे बाल्टी, एक बार खाली कर दे एक बार, वो थोड़ा ऊपर ठहक दा, जीरो कोई दिखते नहीं मन, जीरो होगी रख दे, रखे भाई डाल दे, जीरो है भाई, हाँ जीरो है, कोई बात नहीं, जोटी का दूध है, कोई बात नहीं, बस 8 किलो 980 ग्राम के लगभग दूध है, ले भाई दिखाएंगे सभी भाइयों को, थोड़ा बाल्टी और नीचे कर ले इसका, थोड़ा और सही दिखा दिया हमें, थोड़ा नीचे या बाल्टी कर दे या दूध डाली, हाँ दूध डाली नीचे कर दे, एक बार दिखा दिया हमें, ए ले भाई 974 सही दिख गया भाई, 974 ग्राम है भाई, खर की जोटी का दूध, दूसरा पा दे भाई, 974 लगभग 9 किलो दूध है भाई, वही क्या था 17-18 किलो दूध तैयार है, ले फटाफट 8 किलो 974, ये दूसरे व्याप्त की का, हाँ भाई ये दूसरे व्याप्त की का, ले भाई 9 किलो 18 ग्राम 20 ग्राम, ले भाई रमेश 20 ग्राम ला लो भाई, 16 ला लो, कुछ ला लो, 9 किलो या 20 21 किलो दूध बचा रही, कल बुखार हो गया फिर भी चोटी ने आज 9 किलो दूध काट, 9 किलो दूध फिर भी निकाल दिया, ये देखें भाई दोनों पशु धन काफी अच्छे हैं भाई के, एक ने 8 किलो 974 ग्राम और साथ में जो बच्चा लग रहा है कटड़ी है यार, कटड़ी है भाई, साथ में कटड़ी है, और इस चोटी ने निकाल लिया है 9 किलो 16-20 ग्राम कुछ भी लगा लो भाई, और जिस भाई ने संपर्क करना है इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं इस भाई की जोटी आपको कैसी लगी, आशा करेंगे सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी, आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों को धन्यवाद।